दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। दोस्तों आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये वही अभागे वैक्सीनेटर सहायक हैं जो अपनी सैलरी को लेकर के लगातार मांगे कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, डीएम एसडीएम के ऑफिसों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज दो जगहों पर विशाल धरना प्रदर्शन वैक्सीनेटर सहायकों के द्वारा किया गया और इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताते हैं कि श्रीवस्ती में जो है वैक्सीनेटर सहायकों ने आज धरना प्रदर्शन किया एसडीएम कार्यालय के सामने, और वहां पर जो है काफ़ी संख्या में वैक्सीनेटर सहायक एकत्रित हुए और वैक्सीनेटरों से बात करते हुए पता चला कि उन्होंने अपनी मांगों को रखा, और ये मांगी उनकी थी 18,000 रुपये और एक एक्सीडेंटल बीमे की मांग उन वैक्सीनेटर सहायकों ने किया, ताकि उनकी लाइफ सिक्योर हो सके और भगवान ना करे अगर कोई भी घटना घटती है उनके साथ तो उनको एक उचित रकम मिल सके जिससे उनकी फैमिली को सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों मैं हूं अंकुर तिवारी अमेठी उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं इस समय यूट्यूब चैनल अमेठी ब्लॉग। मैं बात कर रहा हूं उन वैक्सीनेटर सहायक भाइयों की जो पशुपालन विभाग में काम करते हैं और लगातार काम करने के बाद भी उनकी सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उनको बार बार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं अपने मानदेय को लेकर के। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, और दूसरी खबर आज की है सीतापुर से, वहाँ पर भी वैक्सीनेटर सहायकों ने एकजुट होकर के अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए दोस्तों एक ज्ञापन दिया, और ज्ञापन में कहा गया है कि सर आप मुख्यमंत्री तक हमारी बातों को पहुंचाएं। और वहां पर भी सेम कंडीशन थी, वहां पर भी एक्सीडेंटल बीमा, लैपटॉप और सैलरी की मांग की गई है। तो दोस्तों अब इस पर क्या प्रतिक्रिया सरकार की आती है, ये जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल से जुड़ जाएँ।